आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले क्या गूगल पे के ऊपर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट कैसे कर सकते हो, वो भी परमानेंट एंड वो भी वन क्लिक के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो अपने यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट। आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी इसके लिए अपन चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ओके, क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना। देन इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस फीचर्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ओके, इसके बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसके बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिल जाएगा, पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटी का। ओके, तो इससे पहले हो सकता है कि भाई आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगे, आपकी जो भी ईमेल आईडी है सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको आईडी पासवर्ड जो भी यहाँ पे पूछता है सिक्योरिटी के लिए, वो सब आपको यहाँ पे प्रोसेस आपको कर देने। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होती है यहाँ पे वो मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड। क्लिक करने के बाद में एंड मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ एंड जो भी ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो भी पूछेगा वो मुझे करना पड़ेगा। देन इसके बाद में आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ येस। ओके, देन इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे टू के ऊपर। ओके, देन इसके बाद में जो अपना काम है सिक्योरिटी वाला वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, वेट करने के बाद में जो इसका इंटरफेस है वहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो अपन को थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देना है तो आपको यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी का जो फीचर्स वो ओपन हो जाएगा। देन इसके नीचे आ जाएगा कि भाई आप यहाँ से कब कब का डिलीट करना चाहते हो ट्रांजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आज का बता रहा है टुडे का। ठीक है, तो जैसे कि ये टुडे का बता दिया, ये यस्टरडे का बता दिया, ये बाकी आपको डेट आ जाएगी। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन आप डिलीट करना चाहते हो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता दूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये कट का आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको कर देना गॉट इट। ठीक है, इसके बाद में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो भी आप डिलीट करना चाहते हो ट्रांजेक्शन, बस आपको सिंपल से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी गूगल पे की जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप गूगल पे के ऊपर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो अपन एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड वीडियो को शेयर भी कर देना यार। बाकी चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट काफी नीड है यार। एंड भाई को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही सकते हो, इंस्टाग्राम का यूजर नेम एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो भाई को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।